तो दोस्तों यार शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग सा नॉलेज भरा वीडियो। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो बोर्ड है, इसको आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होते हुए इससे पहले देखा होगा। मतलब यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस है जिसके अंदर ये जो बोर्ड है इसका यूज़ करके काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई जाती है। जैसे सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ जो कि है एक होमवर्क राइटिंग मशीन, CNC मशीन, जो कि इसी का यूज़ करके बनाई जाती है। उसके साथ साथ लाइन फॉलोअर रोबोट हो गया, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट हो गया, रडार हो गया, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इससे आप इतने सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो कि इनफाइनाइट प्रोजेक्ट बना सकते हो। कोई लिमिट नहीं है कि 10, 20, 50, 100, 1000, 500, जितने चाहे उतने डिफरेंट तरीके से आप इससे प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी Arduino Uno के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं कि इससे कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, इससे जो सॉकेट्स है वो क्या काम आते हैं, इसके ऊपर जो स्विच है वो किस काम का है, उसके साथ साथ इसके ऊपर कौन सा जो माइक्रो कंट्रोलर है लगा हुआ है, कौन सी इनपुट पिन है, कौन सी आउटपुट पिन है, कौन सा पावर सप्लाई है, और उसके साथ साथ कौन सा इसका जो रेगुलेटर है, सब कुछ डिटेल में हम बताने वाले हैं। आप सोचोगे कि यार इससे हम जानकर क्या करेंगे, मतलब इससे हम सीधा कोई प्रोजेक्ट क्यों ना बना देते। लेकिन यार ऐसा नहीं होता, जो प्रोजेक्ट है वो तो इससे काफ़ी सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड और वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको वीडियो मिलना मुश्किल है। वैसे अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, लेकिन हिंदी के अंदर इसको पूरा किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है पूरी तरीके से। तो चलो इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये इसका पावर पोर्ट होता है, मतलब पावर जैक होता है। यहाँ से हम इसके अंदर 7 से लेकर 12 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। तो फिर आप सोचोगे कि 7 से लेकर 12 वोल्ट इनपुट देंगे, लेकिन Arduino जो है ये कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, Arduino क्या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। तो अगर हम यहाँ से 12 वोल्ट दे देंगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो जैक है इसी के बगल में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसका नंबर कुछ AMS1117 इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा, और इसके नीचे 5.0 दिख रहा होगा। मतलब ये जो है बेसिकली एक वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ से जो भी कुछ DC वोल्टेज आएगा उसको ये 5 वोल्ट के अंदर बदल देगा और 5 वोल्ट हमें आउटपुट देगा जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को पहुँचेगी। और उसके जस्ट इस साइड में आपको एक पोर्ट दिख रहा होगा, तो ये जो पोर्ट है ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे काम का पोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, आपको पता ही होगा कि इसके अंदर जैसे ही हम कोडिंग करते हैं उसी तरीके से वर्क करता है। तो कोडिंग करने के लिए हमें कोई तो पिन लगेगी, कोई तो सॉकेट लगेगा, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये जो सॉकेट है यहाँ से इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है। तो इसके अंदर जो प्रिंटर के अंदर लगती है वही केबल लग जाती है, और इसके बगल में आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, तो इसको दबाने से क्या होगा, ब्लास्ट नहीं होगा यार। ये जो बटन है ये होता है रीसेट बटन, मतलब जैसे ही हम इसको पावर देते और समझो हम कई आधे प्रोग्राम के अंदर एंटर कर चुके हैं और हमें प्रोग्राम जो है उसको फिर से रीसेट करना है, शुरू से शुरू करना है, तो उसके लिए ये स्विच जैसे ही आप दबाओगे तो प्रोग्राम जो है शुरू से शुरू हो जाता है, मतलब पहली लाइन से प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको इसके ऊपर छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होगी, लेकिन इतना गहराई के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना जानकर भी आप करोगे क्या उसका। तो ये जो है ये एक बड़ी चीज़ है, ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्योंकि प्रोसेसर, हर जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको चलाने के लिए एक ये इस तरीके का क्रिस्टल ऑसिलेटर जरूरी होता है। और उसके साइड में आपको एक काफ़ी सारे पतली पतली टांगों वाला एक IC दिख रहा होगा जो कि SMD टाइप के अंदर है, तो इसका क्या यूज़ है वो भी आपको जानना जरूरी है। ये यहाँ से जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तक सीधा तो डायरेक्टली नहीं पहुँच सकती, उनके बीच में कुछ इंटरकनेक्शन तो लगना पड़ेगा, तो उसके लिए जो इंट्रैक्शन करने का काम है वो इस IC के जरिए होता है। तो ये IC इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाता है, और जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है वो इसके अंदर डाली जाती है। और उसके बाद ये जो IC है ये Atmel कंपनी का है, ये इसका मेन प्रोग्रामर है, मतलब ये इसका माइक्रो
कंट्रोलर है। इसी तरीके का माइक्रो प्रोसेसर भी आता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो कंट्रोलर एक इस तरीके की चीज़ होती है कि जिसको आपको बाहर से रैम रोम इस तरीके की चीज़ें जो है मेमोरी सब कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर इनबिल्ड रैम भी होती है, इनबिल्ड स्टोरेज भी होती है और सब कुछ इसी के एक ही चिप के अंदर होता है। तो उसी तरीके का एटमेल एटमेगा 328P नंबर का माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर लगा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये साइड में पिनें दिख रही होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनालॉग इन दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से A0 से लेकर A5 तक इसके अंदर एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट होता है। मतलब यहाँ से हम जो एनालॉग चीज़ें हैं जैसे कोई पोटेंशियोमीटर हो गया या फिर जो भी एनालॉग सेंसर्स होते हैं जो कि इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं उनको हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पावर पिनें दिख रही होंगी, तो यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ से हमें अगर पावर इससे लेनी है तो हम ले भी सकते हैं, और यहाँ से इसके अंदर अगर पावर देनी है इसको चलाने के लिए तो दे भी सकते हैं। इसके अंदर 3.3 वोल्ट भी मिल जाता है, 5 वोल्ट भी मिल जाता है, उसके साथ साथ दो ग्राउंड की पिनें और एक वीन की पिन इस तरीके के पावर के अंदर होता है। और अब रह गई सबसे इम्पोर्टेंट पिन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि है इस साइड में। तो ये है हमारा डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिजिटल और PWM। तो मैं आपको डिजिटल का भी मतलब बता देता हूँ और PWM का भी। तो इसके अंदर ये जो पिनें हैं ये सारी डिजिटल इनपुट और आउटपुट की पिनें हैं। और जो PWM वाली पिनें कैसी पहचाननी है, तो आपको जिन पिनों के अंदर जैसे ये देखो 11 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, इनके सामने एक टिल्ट वाला साइन आपको दिख रहा होगा, तो जिन पिन के आगे टिल्ट वाला साइन है वो हमारा होता है PWM पिन। और PWM पिन कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं जो कि आपको प्रोग्राम के अंदर ही पता चल जाएगी। और यहाँ पे आपको TX और RX दिख रहा होगा, ये 0 और 1 नंबर का पिन। तो ये जो TX और RX होता है ये हमारा बेसिकली जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है या फिर कोई भी इस तरीके का मॉड्यूल जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके अंदर ये यूज़ की जाती है। तो TX के साथ RX लग जाता है और RX के साथ TX लग जाता है उस मॉड्यूल का। तो इस तरीके से इसके जो हार्डवेयर से वो मैंने आपको सब कुछ डिटेल्ड में समझा दिए। और हाँ, ये दो चीज़ें रह गई। तो ये जो आपको दो चीज़ें दिख रही है ये है हमारे कैपेसिटर, जो कि आने वाली पावर को फिल्टर करने के लिए, अगर कहीं थोड़ा बहुत रिपल है AC करंट है तो उसको प्योर DC बनाने के लिए उसको फिल्टर करने के लिए दो कैपेसिटर है। तो ये जो चीज़ है इसका यूज़ करके तो आपको प्रोजेक्ट पता ही है कि क्या क्या बनाए जाते हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो चीज़ें इसके ऊपर कौन सा हार्डवेयर कहाँ पे लगा हुआ है और कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और इसी तरीके के सेंसर या फिर किसी प्रोग्रामेबल डिवाइस के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.